हेलो दोस्तों, सीए फाइनल एससीएमपी वालों, आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है क्योंकि आपका इतना सारा क्वेश्चंस 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 बढ़ गया है एससीएमपी में कि भाई कौन कौन सा पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। हालांकि मैं हमेशा यही बोलता हूँ बेटा, सारे क्वेश्चन पे इम्पोर्टेंस देना है, जो आपको हार्ड लगे उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, मैं हमेशा यही बोला हूँ। बट फिर भी बच्चों के लगातार रिक्वेस्ट आने के कारण हमने एक लिस्ट आपके लिए बना दिया है जो क्वेश्चन का आपको पूरा डिटेल्स दे रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन पे आपको थोड़ा सा इम्फेसिस देना है अपने प्रिपरेशन करते समय। बट एक ही डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा और एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ना हो कि आपने सिर्फ इसी को इम्पोर्टेंस दिया और बाकी सबको हटा दिया, ऐसा ना हो जाए। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा इम्पोर्टेंस दे के पढ़िएगा, ठीक है। सब रेफरेंस सहित आपको जैसे प्रॉपर कायदा से बताते हैं वैसे ही बताया हुआ है, क्वेश्चन का स्टार्टिंग बताया हुआ है, ठीक है। फिर कॉम्प टॉपिक कहाँ से जुड़ा हुआ वो बताया हुआ है, हमारे रेगुलर मैट में वो कहाँ पर है और डीजेबी बुक में, वो लेटेस्ट डीजेबी बुक में कहाँ पर है। और अगर बाई चांस आपके पास हमारा इसके पहले का मैट है, हमारा फास्ट ट्रैक का बुक है, ठीक है, तो आप बस ये इस क्वेश्चन का रेफरेंस का स्टार्टिंग से थोड़ा खोज के एक बार मार्किंग कर लीजिएगा। मेरे पास जो सहूलियत था उससे मैंने यहाँ पर ही मार्किंग कर दिया, ठीक है। बस आपको यही बताना था और इसमें टोटल कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा नहीं है, बट बहुत मुश्किल से छाटते छाटते मेरा तो हाथ 128 पे रुक गया और इससे कम करने का बहुत प्रयास किया बट हुआ नहीं बच्चा। तो आप कृपया करके इससे कम उम्मीद ना करें अभी और एक बार इतना सम्स तो मिनिमम करें, ठीक है। जैसे एक एक चैप्टर से वही आइडिया ये था कि 8-10 क्वेश्चन से ज़्यादा ना रहे इस चीज़ का ध्यान रखते हुए, जिससे सब में मुझे लगा कि कुछ कुछ ट्विस्ट है जो एक बार नहीं देखा हो तो होता नहीं है। ऐसा नहीं कि इजी है इसलिए मैंने छोड़ दिया, इजी है बट ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट छुपा हुआ है, तो वो भी यहाँ पे लिया है। ऑलराइट, बट अगर आपको लगा हो कि इसके अलावा कोई और क्वेश्चन में भी कोई ट्विस्ट है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि यही सोल इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट मतलब इससे आ रहा है, ऐसा कोई भविष्यवाणी मैं नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सब क्वेश्चंस नहीं देखा होगा तो एग्जाम में आ जाने से बनता नहीं। ये सोच से हमने लिस्ट आपके लिए बनाया है। आपको क्या फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है आप मुझे बाद में बताइएगा जब आप इसका इस्तेमाल करें। और ये लिस्ट आपको चाहिए तो आप हमारे एसजेसी के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एसजेसी के टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो में मैं आपको दे दे रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।